सपा 16 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन, उप जिलाधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। खबर औरैया से है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष राजवीर एवं पूर्व विधायक विनोद यादव कक्का पहुंचे तहसील विधुना जिला। जिला अध्यक्ष ने पुलिस पर लगाया आरोप, हमारे कार्यकर्ताओं को घरों में किया जा रहा कैद। वहीं पंचायत चुनाव, धांधली महिला के साथ सड़ेआम चीरहरण किया जा रहा है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन, उप जिलाधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी तरफ से आए समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस के सख्त रवैये के बाद बड़ी मुश्किल से हटे सपाई, विधुना तहसील के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नहीं, धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक लोग अपना आगे बैठे हुए हैं, तहसील गेट पर बैठे हुए हैं और लगभग 7:30-8 बजे के बीच में ही उनके जिलाध्यक्ष जी राजवीर जी आ चुके हैं और शांतिपूर्वक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और 10 बजे ज्ञापन उनको देंगे। हमारे जो माननीय जिलाध्यक्ष जी आपने कहा कई सारी बातों को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं राजेंद्र जी के निर्देश से और हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग ज्ञापन देंगे SDM महोदय को इस सरकार के तरफ। राजवीर जी का कहना है जहाँ पुलिस बराबर गुंडागर्दी पुतारू, आपके कार्यकर्ताओं को इसमें कैद किया गया है तो रात से कार्रवाई चल रही है, तो रात से हमारे कार्यकर्ताओं को घर पर दबिश पड़ रही है, कार्यकर्ताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, अगर हम लोग जल्दी ना निकल आते तो हम लोग भी घर में कैद हो। जहाँ 16 सूत्री मांगे हैं पंचायत में धांधली को लेके, चुनाव हुए, डीजल की महंगाई रात दिन बढ़ रही है उसको लेके, और एक पंचायत चुनाव में महिला की सरेआम जो चीरहरण किया जा रहा है उसके विरोध में, किसान की MSP वापस करी जाए उसके विरोध में, बहुत से 16 मुद्दे हैं उसके विरोध में। आज किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आए हैं और पुलिस पूरे चारों तरफ से हर कार्यकर्ता को घरों में कैद की हुई है, घर से निकलने नहीं दे रही। हम लोग तो यहाँ सारे लोग 7 बजे आ गए थे और तब से यहाँ बैठ पाए, नहीं तो पुलिस यहाँ हम लोगों को आने नहीं दे रही। पुलिस का रवैया गुंडागर्दी पर हो गया है। हम लोग लोकतंत्र तरीके से जो है और जो इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है उसकी हम लोग। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।